तो बहुत खुशी की बात है कि भारतीय महिला टीम फाइनल में पहुंची है, पहली बार फाइनल में पहुंची है और पूरी डिजर्व करती थी। मुझे इस बात की खुशी है कि अब अपने सारे मैच जीत कर वो यहां तक पहुंचे थे और अब भी बड़े अपबीट मूड में थे, तो मुझे पूरी आशा थी कि वो इंग्लैंड से अगर मैच होता भी तो हम उनको हरा कर पहुंचते तो शायद और ज्यादा मजा आता, लेकिन फिर भी क्योंकि भारत फाइनल में पहुंचा है तो बहुत बड़ी जीत है और बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल सर, ये पहली बार है जब टीम फाइनल में पहुंची है और एक्सपेक्टेशंस इस टीम से बहुत ज़्यादा है। जितनी टीम है वो पूरी यूनिट में एक यूनिट की तरह काम कर रही है। आपको लगता है ये बेस्ट टाइम और बेस्ट अपॉर्चुनिटी है टीम के लिए? बिल्कुल, यही देखिए सबसे बड़ी हर्डल थी और शायद भगवान भी चाहता है कि हम वर्ल्ड कप जीतें तो इंग्लैंड से, क्योंकि हम कभी नहीं जीते थे। लेकिन मैं तो सुबह भी मैंने बोला था प्री मैच शो में कि भारत ये मैच जीतने वाला है भले ही इंग्लैंड जितनी मर्जी स्ट्रांग हो, लेकिन खैर मैच नहीं हुआ, भारत फिर भी फाइनल में है और ये बहुत खुशी की बात है। और जैसा आपने कहा कि ये एक टीम की तरह खेल रही है, एक यंगस्टर आती हैं शिखा यादव और वो रन बनाती हैं, या पूनम यादव की जिस तरह की गेंदबाजी हो रही है, तो ये कुल मिला के सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। शिखा पांडे की आप फास्ट बॉलिंग देखिए, और जबकि जो मेन प्लेयर हैं अभी हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधाना, उन दोनों का बेस्ट अभी आना बाकी है, तो मुझे लगता है कि वो फाइनल के लिए बचा हुआ है और भारत को ये वर्ल्ड कप जीतना चाहिए।